साबिक वफाकी वजीर फैसल वाटा का कहना है कि नवाज शरीफ के करीबी साथी ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। साबिक वजीर आजम ने कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर अपनी हुकूमत के खात्मे का बयानिया बनाया, फिर उन्हीं की एक्सटेंशन के लिए जोर देकर वोट दिलवाया। पीटीआई चेयरमैन ने भी तौसी दी, फिर हुकूमत गिराने का बयानिया बनाया। जरदारी ने सिंध चलाने के लिए वोट दिया, अवाम में एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहती गंगा में हाथ धोने और एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने की कोशिश की। फैसल वाडा ने ट्वीट में कहा, ये जिसे चाहे गाली दें, जरूरत पड़े तो इक्तदार के लिए खुद को फिर पेश कर दें। वक्त आ गया है कि हम आजमाए हुए लोगों का माजी ना भूलें। साबिक वजीर आजम ने कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर अपनी हुकूमत के खात्मे का बयानिया बनाया, फिर उन्हीं की एक्सटेंशन के लिए जोर देकर वोट दिलवाया। पीटीआई चेयरमैन ने भी तौसी दी, फिर हुकूमत गिराने का बयानिया बनाया। जरदारी ने सिंध चलाने के लिए वोट दिया, अवाम में एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बहती गंगा में हाथ धोने और एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने की कोशिश की। फैसल वाडा ने ट्वीट में कहा, ये जिसे चाहे गाली दें, जरूरत पड़े तो इक्तदार के लिए खुद को फिर पेश कर दें। वक्त आ गया है कि हम आजमाए हुए लोगों का माजी ना भूलें।